नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट प्रिडिक्शंस विद 95% एक्यूरेसी में। आज का मैच खेला जाएगा जिम्बाब्वे एफ्रो T10। 10 ओवर का मैच शाम को 6:30 बजे। टॉस टीम स्कोर सारी चीज़ें बताऊंगा, जुड़े रहिए। जोबर्ग बफेलोज वर्सेस डरबन कलंदर्स के बीच में मैच खेला जाएगा। चलिए पॉइंट टेबल की बात कर लेते हैं, कौन जीतेगा आज इसमें, क्या क्या बताएंगे। टॉस बताऊंगा आपको, टीम बताऊंगा, स्कोर भी बताऊंगा, लंबा भी बताऊंगा। देखिए, जोबर्ग का मैच है डरबन के साथ में। ये जो टीम है सबसे नीचे है, 4 मैच खेली है, सिर्फ एक जीती है, 3 मैच हार गई है। डरबन की टीम जो है 5 खेली है, 3 जीती है और 2 हारी है, ठीक है। और इसका नेट रन रेट भी अच्छा है। टीम ये कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है डरबन की, और ये सबसे लास्ट पे है, ठीक है। मतलब ये 5वें नंबर की टीम हो गई है, लगभग बाहर की कगार पे ही है। प्लेइंग 11 बता देता हूँ, ये प्लेइंग 11 है, देख लो। ये डरबन की हो गई, ये जोबर्ग की हो गई। चलिए डायरेक्ट एनकाउंटर दोनों के बीच में एक बार पहले मैच हो चुका है, लगभग 22 तारीख को हुआ था मैच इसी सीरीज में, जिसमें डरबन कलंदर्स जीता था 7 विकेट से। पहले बैटिंग करी थी जोहान्स बर्ग ने बफेलो ने, जो कि 94 रन पर ये रन बनाए थे इन्होंने। 10 ओवर में उन्होंने 97 बना दिए थे, लगभग 9.1 ओवर में, ठीक है। मतलब चेस कर लिया था ये स्कोर इसकी टीम ने, डरबन की टीम ने। चलिए देखो बता देता हूँ, 13वां मैच है ये जिम्बाब्वे एफ्रो, है ना। आज खेला जाएगा, ठीक है, हरारे के ग्राउंड पे खेला जाएगा। कैसी पिच होगी, पिच होगी ये बैटिंग बॉलिंग दोनों होगी, ठीक है। पर जो चेस करेगा उसको फायदा है। अब बात करते हैं ड्रीम 11 की टीम है, ये ड्रीम 11 की टीम है, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, इससे टीम बना सकते हो, बना लेना। देखिए ये हम जो क्रिकेट प्रिडिक्शन देते हैं ये हमारा एनालिसिस है, और हम किसी भी तरह की फिक्सिंग वगैरह इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते हैं। अगर आप इसका गलत उपयोग करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, हम नहीं, ठीक है। इसका गलत उपयोग नहीं करना है आपको, ये प्रिडिक्शन है। चलो बात करते हैं आज की जो टीम है हमारी, उसका परसेंटेज क्या है। JB 53% है और DQ 43% विनिंग चांसेस है। JB के विनिंग चांसेस ज़्यादा, पूरी कायनात बैठी है DQ के ऊपर, पूरी कायनात, पूरी दुनिया बैठी है DQ डरबन कलंदर्स। और ये आप जानते हैं कि जब पूरी दुनिया एक ही चीज़ पे बैठती है तो क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से इस मैच को करना। टॉस का प्रेडिक्शन कौन जाता है आपको बता देता हूँ। देखो मैंने आपको भी बताया कि पूरी कायनात बैठी है डीकी के ऊपर, ठीक है ना। ये जगुआ बफेलोज जो भी बोलना है इसको बोल दो, ठीक है। तो टॉस है अपना JB बफेलोज वाली टीम, और टीम है अपनी JB। अब दोस्तों फेवरेट कौन है, अभी DQ फेवरेट है। अगर ये टीम जीत जाती है तो सीधे सीधे सेमी जैकपॉट फूटेगा। कल भी एक सेमी जैकपॉट मैच दिया है हमने ओपन में, और पक्का लिख लो ये भी मैच सेमी जैकपॉट ही आएगा। सेमी जैकपॉट मैच क्या होता है, हमने वीडियो डाला है, जैकपॉट सेमी जैकपॉट ये सारी चीज़ें आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं स्कोर की, ठीक है। DQ अगर पहले बैटिंग करता है तो 10 ओवर में बनाएगा वो 94-95, और JB अगर बैटिंग करता है बनाएगा 97-8। लंबा है हमारा, टीम बता दी है मैंने आपको JB, टॉस भी बता दिया है JB, ठीक है। अगर ये मैच हार भी जाती है तो ये सेमी जैकपॉट लेके जाएगी, अच्छा मत लो। सेमी जैकपॉट में क्या होता है, फोर टीम फेवरेट मिलेगी आपको, फोर टीम फेवरेट आएगी, कितनी लगभग कितनी आएगी फेवरेट, ठीक है, फोर टीम मिलेगी आपको। चलो ये प्रिडिक्शन थी, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहो चैनल से। बाय बाय।